हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी इस वीडियो में। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, स्पेशली फॉर मी, बिकॉज मैं किससे मिलने वाली हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी और जानने के लिए आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगी। जैसा कि मैं इंट्रो से पहले एक छोटी सी क्लिप मैंने ऐड कर दी, जिस क्लिप को देख के आप सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे एंड मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही मिलूँगी एंड मिलके मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो मैं आपको बताऊँगी अपनी एंडिंग वीडियो में। क्योंकि जब तक किसी से आप मिलो ना, आपको एक्सपीरियंस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता है। तो यस, मैं यहाँ पे नाम वगैरह कुछ भी नहीं रिवील करूँगी। आप पूरा वीडियो देखिए, आप उनसे मिलिए खुद जाके, और आपको मिलने के बाद कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। होपफुली मैं बहुत जल्द उनके साथ काम शुरू करने वाली हूँ। यस, एंड उन्होंने जितने भी सीरियल्स वगैरह में काम किए उसकी छोटी सी झलक मैं इसमें ऐड करूँगी आपके साथ। आप उनको भी सपोर्ट करें, उनका भी यूट्यूब पर चैनल है और उस चैनल की लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। तो प्लीज़ आप उनको भी सब्सक्राइब करें, उनको सपोर्ट करें एंड होपफुली आप मुझे भी प्यार देंगे, अपना सपोर्ट देंगे जैसे इस टाइम अपना सपोर्ट दे रहे हैं। बस थोड़ा सा आप लोग कमी कर रहे हैं कि आप लोग लाइक और कमेंट्स में क्यों कंजूसी कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री है गाइस। तो आप अपनी फैमिली समझ के, अपने दोस्त समझ के, अपनी बड़ी बहन समझ के, अपनी छोटी सिस्टर समझ के, जो भी हैं मेरे हर एज को जो मेरा देख रहे हैं मुझे सपोर्ट करें, मुझे प्यार दें। सो बातें हो गई बहुत ज़्यादा, अब फटाफट से आप मिलिए किस एक्टर से मैं मिलने गई थी। सो लेट गेट स्टार्टेड। यस, तो मैं किससे मिलने जा रही हूँ बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा मेरी वीडियो में। एंड मैं हल्का सा लिपस्टिक टचअप कर लेती हूँ यहाँ पे। यस, तो एंड मैं अपना फुल आउटफिट अभी आपको दिखाती हूँ। यस, मैं आप अपने मेकअप को लॉक कर लूँ। और मैं डेली में कोई स्प्रे वगैरह मैं नहीं यूज़ करती, जैसा मैं आपको बता दूँ। स्प्रे सिर्फ मैं मेकअप पे यूज़ करती हूँ। देन मैं डेली में मैं ये यूज़ करती हूँ अपना रोज़ वाटर। मैंने इसको दूसरी बॉटल में ट्रांसफ़र कर लिया क्योंकि इसकी बॉटल में स्प्रे नहीं होता और बिना स्प्रे का मेरा काम नहीं होता। इस वजह से मैंने इसको जो है इस बॉटल में ट्रांसफ़र कर दिया है, बिकॉज इसमें पंप है इस वजह से। सो मैं इसको यस, तो मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। और मैं किससे मिलने जा रही हूँ वो सारा सब कुछ आपको मेरे ब्लॉग में पता चलेगा। एंड यहाँ पे मैं सिर्फ सिंपल सी पोनी बनाई हूँ एंड मैं आपको बैक से भी पूरा दिखाऊंगी मैं किस एक्टर से मिलने जा रही हूँ। जी हाँ, इसको थोड़ा सा मैं ड्राई कर लूँ, उसके बाद मैं बात करती हूँ आपसे। एंड मैं निकलती हूँ फटाफट, मैं वहाँ जाके ब्लॉग बनाऊँगी क्योंकि टाइम जितना उन्होंने दिया था उससे ज़्यादा हो गया। तो मैं आपको डायरेक्ट वहीं पहुँच के मिलती हूँ। ओके, सो बाय। यस, तो हे गाइस, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ फाइनली अमित जी का, जिनसे मैं मिलने आई हूँ। हटाऊँ क्या भैया? यस, तो मैं उनसे मिलने आई हूँ और मैं उनका वेट कर रही हूँ। एक्चुअली वो पहले मेरा वेट कर रहे थे, अब मैं उनका वेट कर रही हूँ। मैंने उनको कॉल किया, देखते हो कहाँ पे हैं और कितनी देर में आते हैं। सो मैं आपको बहुत जल्द उनसे मिलवाती हूँ। और आज का ब्लॉग आप सभी बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है तो यहाँ पर मैं बंद करती हूँ कुछ देर के लिए। यस, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ पे आप सभी को सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि जैसा आगे वीडियो में मैंने बोला कि मैं क्लिप ऐड करूँगी, बट मैं क्लिप ऐड करी थी, कॉपीराइट भी आ रहा था और उसको पब्लिक करने का मुझे ऑप्शन भी नहीं दे रहे थे। और हो सकता है मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाती मेरे चैनल पे, या मेरे चैनल पे कोई प्रॉब्लम आ जाती। इस वजह से मुझे वीडियो डिलीट करना पड़ा। मुझे कुछ फ़ोटोज़ अमित जी की यहाँ पर ऐड करनी पड़ी ताकि आप सभी देख लें कि इन्होंने किस किस मतलब चैनल पे काम किया है। जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो गया, मूवीज़ हो गई और बहुत सारे सीरियल्स में काम किया इन्होंने। तो मुझे मजबूरन डिलीट करना पड़ा। होपफुली आप समझेंगे इस बात को। तो आप छोटे छोटे क्लिप मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे या इंस्टाग्राम रील्स में या मेरे मौज आईडी पे जाकर आप चेक कर लेना। तो होपफुली वीडियो आप पसंद करेंगे। हे एवरीवन, तो मेरे साथ देखिए कौन है। मेरे साथ हैं अमित जी। अमित जी मेरी यूट्यूब पूरी फैमिली आपको देखेगी, जो करीब 400 से 500 के लोग बीच में देखते हैं आपको, मतलब मुझे देखते हैं तो आपको भी देखेंगे। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मैं अमित जी से मिल रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है मिलके। और हम लोग थोड़ी सी छोटी सी मीटअप कर रहे हैं कि कैसे क्या है, हम लोग को क्या आगे प्लान करना है। काफ़ी लोग उसमें जुड़ेंगे तो वही सारी चीज़ें मैं अमित जी से डिस्कस करी थी। और फर्स्ट टाइम अमित जी लखनऊ आए थे तो मैंने सोचा मिल भी लेती हूँ, ये भी सबसे मस्त काम है मेरे लिए। आपने फॉलो कहाँ किया है? मैंने फिर आपको अच्छा अनफॉलो कर दिया। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा झूठ पे बिलीव नहीं करती, सच बोलती हूँ और सब चीज़ें सुनना पसंद करती हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आप नवाबू के शहर में आए हैं, मैं आपको क्या खिलाऊँ बताइए? नहीं, आप बताइए। कोल्ड कॉफ़ी अरे आप बताओ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। चलो ठीक है, मैं फॉलो कर लेता हूँ, आप फॉलो मत करना। अरे हम आपको फॉलो भी करेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। चलो कर दिया। आपको परिचय देने की जरूरत नहीं, वैसे मैं क्लिप ऐड करूँगी आगे। हाँ तो आप बताएंगे कुछ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित जायसवाल है, मैं बॉलीवुड एक्टर हूँ। करीब मैं 100 के 150 से ज़्यादा मैं सीरियल कर चुका हूँ और फिल्में 8-10 कर चुका हूँ। अभी मेरी एक फिल्म आई थी बाटला हाउस, जिसमें इंस्पेक्टर जायसवाल का करेक्टर किया था, और क्राइम पेट्रोल साउदर्न इंडिया में काफ़ी सीरियल्स कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि मुझसे मिलने आए, मैं इनसे मिलने, बहुत बड़ी बात है। और अभी मैं बॉम्बे भी जाऊँगी तो भी मैं अमित जी से मिलूँगी। वो काफ़ी दिन से अमित जी से मिलना चाह रही थी, और ये मैं किसके थ्रू मिली हूँ, मेरी दोस्त स्वाति, मैं उसके थ्रू मतलब मिली हूँ, मैं इनको जान पाई हूँ। तो मैं यहाँ पे इंजॉय करूँगी कोल्ड कॉफ़ी, अमित जी भी इंजॉय करेंगे, एंड यस फिर एक आधी रील बनाऊँगी अमित जी के साथ। चलिए लीजिए। कवर कर रहा है ना, यही होता है, ट्राइपॉड लेके आए होते थे। पसंद है कि मैंने अपनी मर्जी से अपना ही पसंद आप पे ऑर्डर कर दिया। वीडियो ऑन? ऑन है, ऑन करके रखा, थोड़ा सा बनाऊंगी। ये है कुछ बैकग्राउंड जहाँ पे हम अमित जी से मिलने आए थे, एंड होपफुली ब्लॉग आप पसंद करेंगे मेरा। यस तो मैं यहाँ पे अमित जी से बोल रही थी कि आप भी यूट्यूब पे करो, आपको तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपकी तो फ्रेंड फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड मैं इनके चैनल का भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो प्लीज़ आप इनको भी सपोर्ट करें। वैसे इनको सपोर्ट की किसी की जरूरत नहीं, खुद में इतने ज़्यादा पॉपुलर पर्सनालिटी हैं, बट फिर भी यूट्यूब पर थोड़ा सपोर्ट बनता है हर किसी का, है ना अमित जी? आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, इतने ज़्यादा ट्रेवल्स करते हैं अभी लखनऊ वगैरह में, हर जगह आना जाना इनका रहता है। मैं तो बोलती हूँ आप ब्लॉग करो, ब्लॉग में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगता है यूट्यूब पे, बट बहुत अच्छा, यूट्यूब पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से, तो मैं ज़रूर करूँगा। तो आप प्लीज़ मैं जो है इनके चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, आप सब्सक्राइब करें, इनको सपोर्ट करें। एंड बहुत जल्द हम लोग काम शुरू करने वाले हैं साथ में। तो मैं अमित जी से मिलकर आ गई, जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लॉग में आपने देखा, और एंडिंग मैंने वहाँ नहीं की क्योंकि हमारी काफ़ी बातें होने लगी और हर चीज़ आप कैमरे में नहीं शो कर सकते, इस वजह से मैं वहाँ से निकलते टाइम मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं शूट की, क्योंकि अमित जी से मेरी बातें होने लगी थी कि हम लोग कैसे काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, और वही सारी चीज़ें डिस्कस होती रहीं। तो फिर हर टाइम आप कैमरा भी उठा लो तो वो भी नहीं अच्छा लगता है कि किसी के सामने आप कैमरा उठा लो, और मैंने बहुत सारी रील्स वगैरह भी उनके साथ शूट की। तो प्लीज़ मेरे जो है इंस्टा आई डी को भी फॉलो कर लें, इंस्टा आई डी नम्रता की दुनिया, वहाँ पे जाके मेरी रील्स को देखें, मुझे प्यार करें, मुझे सपोर्ट करें और एंजॉय करें। सो बाय। हाँ तो वो क्या है, सिंगल रहेगा तभी कुछ होगा। यस होपफुली मेरा ब्लॉग आप सभी को पसंद आया हो, अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरी जितने फ्रेंड्स हैं, मेरी जितनी फैमिली है, वो नम्रता की दुनिया को सब्सक्राइब कर दें एंड मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।